गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू पोयम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। द ओल्ड पोयम इज अबाउट अ लिटिल काइट हु इज लर्निंग टू फ्लाई। एक छोटी काइट के बारे में एक पोयम है आपकी ये, जो अभी सीख रही है कि कैसे उड़ते हैं। उड़ना नहीं आता है और उड़ना सीख रही है। एंड द प्रेजेंट पोयम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई इज रिटन बाय कैथरीन पायल। नाउ फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट समथिंग द कैथरीन पायल। कैथरीन पायल वॉज एन अमेरिकन ऑथर, आर्टिस्ट एंड पोएट। शी रोट ओवर 30 बुक्स एंड ऑल्सो इलस्ट्रेटेड सम ऑफ देम। He works appeared in the American magazines, Ladies, Home Journal and Harper's Bazaar. So, she is the Catherine Pyle who written about a kite, who is learning how to fly a kite. Yes, we start the poem. I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. Now, the little kite said, the poem start with the little kite saying, the little kite यानी कि छोटी काइट है वो कहती है I never can do it, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, as he looked at the others high over his head, जैसे ही वह दूसरे जो kites हैं जो sky में fly कर रही हैं उनकी तरफ देखती है ऊपर, तो उनको देखकर वो कहती आई Never can do it, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। What she is saying? The little kite feels he can never fly and thinks he will fall if he tries to fly. तो I know I should fall if I try to fly। क्या सोचता है काइट? जो काइट है यहाँ पे उसको ही से रिनोट किया गया है। It's a masculine, shows the masculine. So I know, I is लिटिल काइट, आई नो मैं जानता हूँ आई शुड फॉल कि मैं गिर जाऊँगा इफ़ आई ट्राई टू फॉल अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा। ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई, और जो बड़ी काइट है उसके साथ वो उससे कहता है कि तुम ट्राई तो करो, तुम सिर्फ एक बार कोशिश तो करो। What the little kite says, little kite feels that कि he can never fly, कि वो कभी नहीं उड़ सकता, and thinks he will fall, कि वो गिर जाएगा if he tries to fly. Then the big kite encourages him to try, और जो big kite है वो उसको encourage करता है, motivate करता है कि तुम at least try तो करो। और I fear you never will learn at all, और मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरीके से नहीं करोगे तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे। कौन कह रहा है ये? बिग काइट कहता है उससे, लिटिल काइट से। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन जो छोटी काइट है वो क्या कहती है उससे? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, नहीं मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा इफ आई फ्लाई। द लिटिल काइट सेड ही विल फॉल इफ ही ट्राइज टू फ्लाई। द बिग काइट नॉडेड, नॉडेड यानी होता है गर्दन को हिलाना। जो बिग काइट है वो गर्दन हिला के कहता है ओके, अब वो उसकी बात नहीं मान रहा है तो कहता है ओके मत उड़ो, मत ट्राई करो, ओह वेल गुड बाय, उसको गुड बाय कहता है और वो चला जाता है। कहता है आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्विंकल स्काई। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकल? ट्विंकल मतलब पीसफुल। क्या करता है? आई एम ऑफ, अब मैं तो उड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड, और वो उड़ जाता है, रोज यानी उड़ना, उठता है टूवर्ड द ट्विंकल स्काई, स्काई की तरफ, जो पीसफुल स्काई है, ट्विंकल स्काई है उसकी तरफ वो अपनी उड़ान भरता है और उड़ना स्टार्ट कर देता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्ट्रेट एट साइड एंड ट्रम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। उसके बाद कब क्या होता है? जब वो जो बिग काइट है वो तो उड़ के चली जाती है। देन द लिटिल काइट्स पेपर, उसके बाद जो लिटिल काइट का जो पेपर है वो स्ट्रेट करता है। स्ट्रेट यानी वो भी एक्साइटेड हो जाता है उड़ने के लिए, फड़फड़ाता है एट द साइड उसको देखकर, एंड ट्रम्बलिंग और मूव होता है, ट्रम्बल करता है। ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो अपने आप को क्या करता है? फ्री करने की कोशिश करता है और उड़ने के लिए। फर्स्ट वर्लिंग, पहले वो वर्लिंग करता है एंड फ्राइटन, और डर जाता है। Then braver groan,
उसके बाद बिकम ब्रेवर, और बिकम ब्रेवर यानी ब्रेव हो जाता है और वो उड़ने लगता है, यानी कि पहले जब वो स्टार्टिंग में उड़ता है तो थोड़ा फड़फड़ाता है, उसके पंख वो जो उसकी काइट्स के जो पेपर है वो मूव करते हैं, वो डगमगाता है अपनी उड़ान में, लेकिन अब आप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो धीरे धीरे स्काई में अकेला उड़ने लगता है. एंटिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, और वो जब तक बिल्कुल सीधा उड़ता रहता है जब तक कि बिग काइट जो है उसको लुकिंग डाउन यानी नीचे झुका, क्योंकि जो बिग काइट है वो ऑलरेडी ऊपर स्काई में उड़ रही है और जो लिटिल काइट है उसके नीचे उड़ा है, तो जैसे वो नीचे उड़कर देखता है, जब तक वो उसको उड़कर नहीं देखता वो अपने स्टीडली यानी कंटिन्यूसली उड़ता चला जा रहा है. कौन उड़ता चला है? जो लिटिल काइट है वो. सो व्हाट हैपन व्हेन द लिटिल व्हेन द बिग काइट फ्लाई टुवर्ड्स द स्काई, द बिग काइट सीज द लिटिल काइट राइजिंग स्लोली एंड स्टीडली एंड ही राइजेस हायर एंड हायर एंड द लिटिल काइट स्टे इन द एयर फ्लाइज अलोंग साइड द बिग काइट. यस, तो देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल White with pride as he sailed with the big kite side by side. While far below he could see the ground and the boys like small sports moving around. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. Now this is your inspiring poem, How the Little Kite Learned to Fly. It is an inspiring poem that motivate to you. If you are unable to do something, at least you can try. At least आपको कुछ चीज़ को करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते. ये जो इंस्पायरिंग पोएम है, मोटिवेटेड पोएम है, वो हमें क्या बताना चाहती है? यही बताना चाहिए कि कभी भी हमें ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि हमसे नहीं होगा. हमें अपने फियर से बाहर आना चाहिए. उस फियर पे हमें जीत कब मिलेगी? जब हम उसके ट्राई करेंगे, उसको कोशिश करेंगे, तभी हम कोई काम कर पाएंगे. अगर हम उसकी कोशिश ही नहीं करेंगे तो वी कांट लर्न एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क. ओके, सो देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड. अब जो थ्रिल्ड यानी कि वो जो छोटी काइट है, जब वो स्काई में उड़ रही है स्टीडली यानी कंटिन्यूसली जो फ्लाई कर रही है, तो वो कैसा है? थ्रिल्ड विद प्राइड, वो प्राइड से फूल रही है क्योंकि उसको गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उड़ने लगी. एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और वो कैसे उड़ रही है? वो उसके अलोंग साइड पे, जो बिग काइट है बिग काइट के अलोंग साइड पे उड़ रही है. ही राइजेस हायर एंड हायर एंड फ्लाइज अलोंग साइड द बिग काइट. ही इज थ्रिल्ड, वो थ्रिल्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्राइड. उसको किस बात का प्राइड है? उसको इस बात पे गर्व हो रहा है कि मैं उड़ना सीख गई और मैं उड़ रही हूँ. वाइल फार ब्लो ही कुड सी द ग्राउंड, जब वो बहुत ऊपर उड़ जाती है स्काई में, वाइल फार ब्लो ही कुड सी द ग्राउंड, और जब वहाँ ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे दिखती है, एंड द बॉयज लाइक अ स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. उसको क्या लगता है? जो नीचे जो बॉयज खेल रहे हैं, जब आपने देखा होगा जब हम कब ऊंचाई पे से जाकर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखती है. जैसे हम नीचे जब हम खड़े होते हैं ग्राउंड में, हम जब ऊपर देखते हैं जो ऊपर बर्ड्स या काइट्स उड़ती हैं, तो जो उनका साइज़ होता है वो उससे स्मॉल दिखाई देती हैं. तो सेम ऐसा ही उस काइट को दिखता है कि जो नीचे बॉयज़ खड़े थे ग्राउंड में, वो उसको कैसे दिख रहे हैं? कि स्पोर्ट्स की तरह, एक निशान की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि वो इतना हाई स्काई में फ्लाई कर रही है कि जो बॉयज़ हैं उसको कैसे दिख रहे हैं? छोटे छोटे से दिख रहे हैं. द बॉयज़ ब्लू अपीयर लाइक अ स्मॉल स्पॉट्स, स्पॉट्स यानी मार्क, निशान. एंड द बिग काइट एंड द लिटिल काइट स्टे इन द एयर. The rested high in the quiet air. और सिर्फ उस इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर सिर्फ कौन है? बिग काइट और स्मॉल काइट है स्काई में. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और उनके साथ कौन है? सिर्फ बर्ड्स हैं और क्लाउड्स हैं, और वहाँ पर कोई नहीं है. ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स आर देयर एंड द बिग काइट एंड द लिटिल काइट स्टे इन द एयर विद द बर्ड्स एंड क्लाउड्स. हो How happy I am, the little kite cried. देखिए, cried मतलब होता है रोना, रोकर चिल्लाना. और वो इतनी ज़्यादा वो खुश है, इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई थी. ओह हाउ आई एम हैप्पी, जो छोटी पतंग है वो क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी. आओ मैं कितनी खुश हूँ आज, और ये सोचकर वो रोने लगती है और रोके चिल्लाती है.
कि आप कभी आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम जब भी रोने लगते हैं, तो यही सेम कंडीशन जो है काइट के साथ ही, क्योंकि वो सोचती थी कि वो कभी नहीं सीख पाएगी और जब वो उड़ना सीख गई है तो वो उससे खुशी की वजह से उसको क्या आ रहा है, रोना आ रहा है, वो क्राई करती है, चिल्लाती है, रोती है, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। ओके कह रही हूँ ये सब सिर्फ इसलिए हुआ, मैं इतनी जो खुश हूँ और ये खुशी मुझे क्यों मिली है, क्योंकि मैंने उड़ना सीखा, और मैंने उड़ना क्यों सीखा, बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैं बहादुर थी, मैं ब्रेव थी और मैंने एटलीस्ट कोशिश की। अगर मैं ब्रेव नहीं होती, मैं कोशिश नहीं करती उड़ने की, तो मैं कभी भी नहीं सीख पाती। द लिटिल काइट सेज ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ टू ट्राई, क्योंकि वो इतनी ब्रेव थी कि उसने कोशिश की और एट लास्ट वो उड़ना सीख गई। तो डेट इज़ योर होल पोयम, इट इज़ अबाउट अ काइट, अ लिटिल काइट, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। द होल पोयम इज़ बेस्ड ऑन द दिस थिंग कि दिट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोयम दैट मोटिवेट टू यू कि हाउ टू लर्न समथिंग। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप उसको किससे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वी नेवर फील कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते, वी ऑलवेज ट्राई टू डू द थिंग्स दैट वी कांट डू, we think and one day we can learn the thing what we want to learn, that is inspiring poem, the whole poem is it, this poem by written by the Catherine Pyre and says how a little kite learned to fly। isme unhone kya bataya hai ki ek choti patang kis tarike se udna seekhti hai, what he says, what she says, the poetess says that ki the little kite feels he can never fly and thinks he will fall if he tries to fly, the big kite encourages him to try and the little kite then rises towards the sky, the big kite sees the little kite rising slowly and steadily, steadily means continuously, and he rises higher and higher and flies alongside the big kite, he is thrilled, the boy's blue appear like a small sports, the big kite and the little kite stay in the air with the birds and clouds are there, the little kite says he is very happy because he was brave enough to try। So that is the whole poem and you have to learn the lesson that you can try, you can try everything whatever you want to do learn, then you can learn। Okay, so that is the poem, if you have any query about this poem you can ask me in our online classes, okay।